वो अपना बना ले, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना शादी तक पहुंची तब तब क्या करेगी जरा सोच। Come on यार, तब तक तो हम दोनों इतनी दूर जा चुके होंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन जरा जल्दी करना, मुझे देर हो रही। बस हम अभी गए और अभी आए जी। लेकिन नैन्सी जी, हम इसे कपड़ों पे कितनी देर रखे जी? जब तक कपड़ों से अच्छी तरह धुआं ना निकले, समझी? नहीं जी, ऐसे कोई बात नहीं है, हमने स्त्री तो की लेकिन लेकिन इतनी अजीब बात है, मैंने भी नहीं सोचा था कि हम दोबारा इस तरह मिलेंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कभी इंडिया आओगे नहीं, और मैंने फैसला किया था कि मैं इंडिया में रहूंगी, और आखिर तुम्हें भारत आना ही पड़ा। अरे जो काम तुझे ना आवे है वो काम क्यों करने चली थी तू? आपको क्या पता था बुआ जी कि लू इतना गर्म हो जाएगा? हमने तो वैसे ही किया जैसे आपको नैन्सी जी ने कहा था। अरे तो तुझे अकल ना है, खुद स्त्री करने की क्या जरूरत थी? अरे उस कमबख्त मारी से ही करवा लेती और दे देती बबुआ को। खोलती कढ़ाई में हाथ डाला काहे तूने, कसम से। ओ, क्यों बेचारी पे आग उगल रही हो? एक छोटी सी गलती तो ही हुई है इससे। लो कल्लो बात, हमेशा इससे गलती ही तो होवे। कभी गलती से कोई ठीक काम भी कर ले तो जानू मैं कसम से। अरे मेरी जाने तमन्ना, माना हमने लंगड़े घोड़े पर दाव लगा दिया, पर अब उस पे चापुक बरसाने से क्या फायदा चक्कर चला के? मुई की किस्मत ही खराब है, जे अच्छा करने पे जावे है तो बुरा हो जावे है, कसम से। हाँ बुआ जी, अपने ठीक ही कहा, हमारी किस्मत ही खराब है, वरना क्यों हमारे बाबूजी हमें छोड़ के जाते? क्यों हमें आप पर बोझ बनना पड़ता, और क्यों हमें यहाँ आना पड़ता, और क्यों बार बार हमें ही दुखी होना पड़ता है? लो, ये तो सेंटिमेंटल हो गई चक्कर चला के। अब तुम ही संभालो जी, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि मैं इमोशनल सीन देखकर बोर हो जाता हूँ। तुम तो जानती हो चक्कर चला के। नारो लिली, नारो, हम तो यूं ही कह गए थे गुस्से में, कसम से। हम क्या तुम्हारा भला चाहते हैं ना, इसलिए इतना सब कुछ कह गए। जे तुम्हें बुरा लगा हो तो दो जूते मार लो अपनी बुआ को, कसम से। भाईरा बुआ जी, किसी बातें कर रही है? आप तो हमारी माँ समान है, आप ऐसे कहकर हमें पाप मत चढ़ाइए। तो तू भी इस तरह रोया मत कर मेरी बन्नो, जे अगर वो कुछ कह भी दे तो अपने दिल पे मत लगाया कर, वो दिल का बुरा नहीं है, कसम से। नहीं नहीं बुआ जी, हमें उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बुरा तो हमें ये लगता है कि हमारे वजह से बार बार उन्हें दुखी होना पड़ता है, और हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते बुआ जी, कसम से। आय हाय, जे तो सचमुच उसके प्रेम में पड़ गई है, अब इस बेचारी का क्या होवेगा भगवान जाने, कसम से। इट्स ऑल राइट मिस्टर बंसल, नो हार्ड फीलिंग्स, अगर आप हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते तो मुझे कोई इतराज नहीं, आखिर आप एक बिजनेसमैन हैं, अपना नफा नुकसान सोचना आपका हक है, डोंट फील सॉरी फॉर दैट। या आई नो, बट मिस्टर बंसल, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता, मे बी आई एम नॉट ए गुड बिजनेसमैन, एनीवे थैंक्स फॉर कॉलिंग। सर, सिचुएशन बहुत ही खराब होती जा रही है, अब तक कई डील्स कैंसिल हो चुकी हैं,
और कई डीलर्स हमारा माल वापस कर चुके हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। होता है राजीव, ऐसा होता है बिजनेस में, ऐसा होता ही रहता है, कभी फायदा तो कभी नुकसान, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन सर जब फूड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे ड्रिंक में कोई मिलावट नहीं, तो फिर ये सब लोग किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते राजीव। जिन लोगों को हमारी ड्रिंक्स पर शक है उन्हें इस रिपोर्ट पर यकीन कैसे होगा? और अगर अगर लोग हमारी ड्रिंक पीना नहीं चाहते तो फिर डीलर उसे रखकर करेंगे क्या? लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग ठंडाई पीना बंद कर दें? सर ठंडाई लोगों का शौक ही नहीं, आदत बन चुकी है और कोई भी आदत इतनी आसानी से छोड़ी नहीं जा सकती। राजीव लोग पत्थर की भी पूजा करते हैं मगर टूटी हुई मूर्ति कोई अपने घर नहीं रखता, यही जमाने का दस्तूर है। इसका मतलब है कि वक्त लगेगा, दोबारा अपने आप को साबित करने में हमें वक्त लगेगा राजीव, लेकिन अगर हम में हिम्मत और सच्चाई है तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। याद है युगांक, तुमने कहा था कि तुम कभी इंडिया वापस नहीं आओगे, फिर अचानक कैसे? किस्मत ले आए। तुम किस्मत पर कब से भरोसा करने लगे? जब से इस बात का एहसास हुआ है कि ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे हाथ में नहीं। अब देखो ना, तुम्हें और हमें किस्मत नहीं तो मिला है ना? एक बात कहूं युगांक, तुम पहले से बहुत बदल गए हो। जब से मैंने तुम्हें इस बार देखा है तुम एक बार भी नहीं मुस्कुराए। Why? Really? ऐसे मत मुस्कुराओ, ऐसे लगता है जैसे मुस्कुराहट का मजाक उड़ा रहे हो। आखिर ऐसे क्या बात है जिसे तुम्हारी आंखों की चमक को धुंधला कर दिया है? क्या एक दोस्त होने के नाते तुम मुझे नहीं बताओगे? ऐसी कोई बात नहीं अवंतिका, आजकल मैं अपने बिजनेस के बारे में इतना सोचता रहता हूँ कि मुस्कुराना भूल गया हूँ, और कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें बिजनेस की इतनी फिक्र क्यों? तुम्हारा नाना जी का लंदन में इतना बड़ा कारोबार है और तुम यहाँ पर क्या? मैं कुछ करना चाहता हूँ। पंडित जी ने तुम्हें जरूर बताया होगा कि मैं चाहता हूँ कि हम विक्रम आर्य के साथ मिलकर सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में अपना हाथ आजमाएं। आज इंटरनेशनल मार्केट में ठंडाई जैसा सॉफ्ट ड्रिंक कहीं नहीं है। इनफैक्ट हम इंडिया से हर चीज एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है जो इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक कहलाया जाता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज जस्ट गोना वर्क। और हमारी कम्युनिटी चारों तरफ फैली हुई है और उनको इंडियन ड्रिंक्स पसंद भी बहुत है। आई एम श्योर दिस विल वर्क एंड दिस विल बी अ सक्सेस, और इंडियंस को ये सॉफ्ट ड्रिंक बेहद पसंद आने वाला है। आई नो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द विक्रम आर्य के साथ होने वाली पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लो, और विक्रम आर्य को इस काम के लिए राजी करना तुम्हारा काम। ओके? I will try my level best. No try. I want definite result. मैं हर कीमत पर विक्रम आर्य के साथ काम करना चाहता हूं, and that's final. विक्रम आर्य, क्या हाल है? तो क्या हाल है? बेवकूफ जर्नलिस्ट की तरह सवाल मत पूछा करो। कामयाबी मिली है तो कैसा लग रहा है?
नुकसान हुआ है तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सवालों का जवाब जानते हैं फिर भी सवाल पूछते हैं वो लोग। हाँ पता नहीं क्यों पूछते हैं, वाकई बहुत स्टूपिड सवाल है। सवाल स्टूपिड नहीं होते, पूछने वाले स्टूपिड होते हैं महेश। देयर यू आर। वैसे एक बात कहूं विक्रम, मेरी जनरल नॉलेज बढ़ाने की बजाय मेरे सवाल का सीधा सा जवाब देना ज्यादा आसान नहीं होता? आई जस्ट कैजुअली आस्क्ड यू हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो तुम? लोगों ने मेरा सॉफ्ट ड्रिंक पीना छोड़ दिया है, डीलर्स ने मेरा माल लेना छोड़ दिया है, जिनके पास स्टॉक पड़ा है वो वापस कर रहे हैं, जिन्होंने एडवांस दिया है वो वापस मांग रहे हैं, जितना माल तैयार है वो बेकार हो चुका है। नाउ यू टेल मी हाउ एम आई डूइंग। हाँ मतलब अगर इसे एक लाइन में कहा जाए तो बहुत बुरा हाल है, राइट? रॉन्ग। देवराज चौधरी के होते हुए विक्रम आर्य जैसे ग्रेट बिजनेसमैन को बुरे हालात से गुजरना पड़े, इट्स इम्पॉसिबल। ही इज द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2006, यू नो। चौधरी, देवराज, देवराज चौधरी। बिन बुलाए मेहमान का स्वागत तो कोई नहीं करता मिस्टर चौधरी, लेकिन हमारे संस्कार दरवाजे पर आए हुए भिखारी को भी दुत्कारने की इजाजत नहीं देते, इसलिए बैठिए बैठिए मिस्टर चौधरी बैठिए। विक्रमादित्य, मैं यहां बैठने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी कुछ मदद करने आया हूं। एक्चुअली हर साल मैं मजबूर और लाचार लोगों में 20-25 लाख रुपया डोनेट कर देता हूं। तुम फाइनेंशियल क्राइसिस में हो तो इस साल मैंने सोचा कि यतीम खाने में देने के बजाय ये पैसा तुम्हें दे दूं, शायद किसी काम आ जाए। रख लो और चाहिए तो कह देना, भिजवा दो, रख लो। अगर आपका दान दक्षिणा का कार्यक्रम पूरा हो चुका हो तो आप जा सकते हैं। यू आर रियली वेरी क्लियर। गुड बाय विक्रम आर्य। क्या बेवकूफी है विक्रम, वो चौधरी तुम्हें भीख दे रहा था और तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया? वो मुझे भीख देने नहीं आया था, मुझे भड़काने आया था, गुस्सा दिलाने आया था। जितना ही ज्यादा मैं उसकी बात पर नाराज होता उसे उतना ही मजा आता, पर अफसोस मैंने उससे उसका मजा ही छीन लिया। तूने देखा नहीं कितनी मायूसी छाई हुई थी उसके चेहरे पर? हाँ ये तो है, तूने उसकी बोलती ही बंद कर दी, लेकिन उसकी इस हरकत का तुझे कोई ना कोई जवाब जरूर देना होगा। जवाब? जवाब तो मैं ऐसा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। शर्मा जी का दूध का बिल दे दो। हाय हाय जीजी, जी जीजा जी दिखाई ना दे रहे हैं कसम से। ऑफिस गए, और कहाँ जाएंगे? लोकल लोग आते, इतनी परेशानी इतने टेंशन, और आपने जीजा जी को ऑफिस जाने दिया? आप भी ना कसम से। क्यों? घर पर बैठे रहने से क्या वो परेशानियाँ वो टेंशन खत्म हो जाते? मैं जे ना कह रही हूँ जीजी, मैं तो जे कह रही हूँ ऑफिस में कोई अपना तो होवे जो उनका ख्याल रख सके कसम से। ये बात तूने बिल्कुल सही कही, चक्कर चला के। मैं जीजी से यही कहने की सोच रहा था
कि जीजा जी का इस तरह अकेले ऑफिस ऑफिस जाना ठीक ना है। एक तो इतनी दुश्मनी बढ़ गई, जब दुश्मनी बढ़ी तो टेंशन बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, चक्कर चला के। जी ठीक कह रहे हैं जीजी, ब्लड प्रेशर बढ़ना अच्छी बात ना होवे है कसम से। कल्याणी, मैं तो जीजा जी को कल से ऑफिस अकेले जाने नहीं दूंगा, उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। क्या पता जीजा जी को किस वक्त मेरी जरूरत पड़ जाए चक्कर चला के। जी ठीक कह रहे हैं जीजी, वैसे भी घर में पड़े पड़े इनके हाथ पैर में जंग लग रही है, इतना हराम का खाएंगे तो खाम का बीमार बीमार हो जाएंगे कसम से। और वैसे भी मुझे हराम की तो हजम ही ना होवे जीजी, और तुम तो जानो ही हो मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है। हाँ नारायण, मैं तुम्हें और तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम्हारे उनके साथ ऑफिस जाने से उनके टेंशन कम नहीं होंगे, उल्टे बढ़ जाएंगे। इसीलिए ऑफिस जाने का ख्याल तो तुम अपने दिल से निकाल ही देना, समझे? और एक बात याद रखना, तुम जब तक हमारे पूरे परिवार का प्यार और विश्वास तुम्हारे जीजा जी के साथ है, तब तक वो कभी अकेले नहीं हो सकते, कभी। ये चक्कर तो फेल हो गया चक्कर चला के, अब तो कोई उल्टा चक्कर चलाना पड़ेगा कसम से। Good morning, Mr. Arya. Can I join in? किसी रंगीन ख्यालों में खोए हुए हो तो वापस चला जाता हूं। यार अगर मुस्कुराना है तो खुल के मुस्कुरा, वरना मत मुस्कुरा, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। विक्रम, मैं जानता हूं तू परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परेशान। क्या मैं तुझे परेशान नजर आ रहा हूँ? नहीं नजर आ रहा, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। यार परेशानी में भी आदमी अगर तेरी तरह रिलैक्स नजर आता है तो ये ज्यादा परेशानी की बात है। विक्रम, आई टेल यू इट्स एब्नॉर्मल। सारी दुनिया कहती है कि जब प्रॉब्लम आए तो आदमी को शांत और रिलैक्स रहना चाहिए, क्या तुझे ये एब्नॉर्मल लगता है? ऑफकोर्स। अरे परेशानी में आदमी को परेशान होना चाहिए, अगर परेशानी में भी आदमी तेरी तरह रिलैक्स नजर आता है इसका मतलब परेशानी से उसने हार मान ली है, उससे लड़ना छोड़ दिया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। गलत। इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम ने उस शख्स का दिमाग खराब नहीं किया है, वो प्रॉब्लम उस पर हावी नहीं हुई है और वो शख्स शांत और धीर और गंभीर होकर उस प्रॉब्लम से लड़ने की तैयारियां कर रहा है। अच्छा तो फिर ठीक है। अब ये बता कि तू यहाँ मुझे वार्म अप करने के लिए आया था या कोई काम है? अरे यार तुझे वार्म अप करना भी तो एक काम ही है, इसके अलावा भी एक और काम है। तेरे लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिससे तेरी परेशानी कम हो सकती है। क्या खबर? एक NRI है जो सॉफ्ट ड्रिंक की फील्ड में कदम रखना चाहता है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव अवंतिका शर्मा ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, एंड शी डेस्परेटली वॉन्ट्स टू मीट यू। मकसद? मकसद तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वो NRI तेरे साथ पार्टनरशिप डील करना चाहता है। वैसे इस वक्त पार्टनरशिप डील का कोई भी ऑफर हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या उस लड़की ने पार्टनरशिप के बारे में कोई बात की है? नो, इट्स जस्ट अ वाइल्ड गेस, लेट्स मीट अप एंड सी। वो खुद ही बताएगी उसका बॉस क्या चाहता है। ओके, वैसे क्या नाम है उस NRI का? नो नॉट रियली, लेकिन मार्केट से मैंने पता किया तो मालूम ये हुआ कि ही इज क्वाइट अ बिग बुल इन द फील्ड। उसका नाम है युगांक।
के जज्बात ले।